तो आज काफी दिन हो चुके थे, मैं बहुत दिन से मंदिर नहीं गया था। वैसे तो मैं अपने यहाँ पर हमेशा डेली मंदिर में जाया करता हूँ, लेकिन आज मैं सोचा कि एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर में जाता हूँ और वहाँ का वीडियो बना के आप सबको ये बताता हूँ कि वहाँ पर हमें कितने सारे देवी देवताओं के दर्शन एक ही बार में करने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या बोलती पब्लिक, जय श्री राम। 60 डेज 30 वीडियोस के सीरीज में आज का 8वां दिन, जिसमें देखिए अभी मैं एकदम अच्छे से तैयार हो चुका हूँ। और एक मिनट, ये मेरे हाथ से टिकट गिर गई। ये देखिए अभी मैंने टिकट मार लिया है विट्ठलवाड़ी का। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ विट्ठलवाड़ी, और विट्ठलवाड़ी में एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। तो आप सबको वह शिव जी का जो एकदम पुराना सा मंदिर है वह मंदिर दिखाता हूँ, और उसके अंदर हमें और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती है। तभी आप सब कंटिन्यू वीडियो बने रहिए। फिलहाल इस वक्त तो मैं खड़ा हूँ घाटकोपर स्टेशन पे, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा। अभी मेरी ट्रेन बहुत लेट आने वाली है, तो पहले मैं जाता हूँ वहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर वहाँ से आगे की तरफ कैसा पूरा जर्नी होता है मैं आप सबको बताता हूँ। जब तक आप सब कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, और साथ में बोलिए गणपति अप्पा मोरया। जस्ट अभी देखो हम लोग यहाँ पर उतरे विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से हम लोग ने अपने फ़ोन में मैप मार लिया है। अभी लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर दिखा रहे। तो चलो अभी हमारे साथ यहाँ से जुड़ चुके हैं प्रज्वल भाई। प्रज्वल भाई आपका स्वागत है, जय श्री राम। चलो ये बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ, 1 किलोमीटर में हमारा मंदिर है। हमारी यहाँ से फिर से पटरी की जर्नी शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ से हम लोग को आगे से जाने गए, वहाँ से ना कैसा मतलब रास्ता गए लेफ्ट साइड से होके, वहाँ से होते हुए फिर 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, फिर हम लोग फाइनली पहुँच जाएंगे हमारे महादेव जी के मंदिर में। और मंदिर में पहुँचने के बाद मैं आप सबको दिखाता हूँ। अभी साथ में तो प्रज्वल भाई भी आ गए, तो और थोड़ी मतलब आनंद आएगा साथ में मंदिर को विजिट करने का, और आप सबको मंदिर के एकदम प्यारे प्यारे भगवान के दर्शन करवाने का। जब तक आप सब कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम लोग केवल कुछ ही दूरी पर है मंदिर से, जैसे हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं पूरा रास्ता हम लोग को सीधा आना पड़ता है, और सीधा आके बस एक छोटा सा लेफ्ट आता है, वो लेफ्ट मारने के बाद हम लोग थोड़ी सी दूर चलने में मंदिर की तरफ पहुँच जाते हैं। बस पब्लिक अभी ये पूरा रास्ता हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अपने गाँव के मार्केट में खड़े। हम लोग के गाँव में भी ऐसे ही बाजार हुआ करता था, इस तरह देखो पूरा बाजार ऐसे लग रहा है हम लोग को। ये हमारे गाँव का रास्ता, अभी यहाँ से अंदर दिखा रहा है ऐसा मैप, देखो लेफ्ट मारने बोला था। सो पब्लिक जस्ट एक ही लेफ्ट मारने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हैं शिव शांति विश्वधाम मंदिर के बाहर। यहाँ पे देखिए इस वक्त हम लोग गेट के बाहर ही खड़े, और अंदर जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर एक और गुरु विशिन दास देवी माता का मंदिर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और इसी के जस्ट बाजू में यहाँ पर देखिए एंट्री गेट शिव विश्व शांति धाम ओम। यहीं से सामने ही अभी हमें अंदर जाना है। यहाँ पर हमें एंट्री गेट पर देखिए ऊपर ऐसा उंगली में विश्व ऐसा पकड़े हुए ऐसा दिखाई देते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ से अंदर एंट्री मारते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओम शिव विश्व शांति धाम। यहाँ से सबसे पहले एंट्री गेट से अंदर आने के बाद हमें हमारे 9 ग्रह की देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिनमें से पहले चंद्र, दूसरे मंगल, तीसरे राहु, चौथे शुक्र, और सूर्य, शनि, बुध, गुरु और केतु, सभी की यहाँ पर प्रतिमा हमें देखने के लिए मिलती है। यहीं पर हमारे 9 ग्रह के पीछे हमें श्री हनुमान चालीसा भी देखने के लिए मिलती है, और इस साइड में हमारे पूरे 9 ग्रह के नाम देखिए, और जस्ट इन्हीं 9 ग्रह के बाजू में हमें हमारे श्री बजरंगबली जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। आप सब भी कमेंट में लिख दीजिए जय बजरंगबली, ओम श्री शनेश्चराय नमः। बजरंगबली जी की मूर्ति के पीछे हमें शनि भगवान की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, शनि भगवान की प्रतिमा के पीछे हमें शनि चालीसा भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए ऊपर दोहा, नीचे चौपाई, और शनि भगवान की प्यारी सी प्रतिमा बजरंगबली जी के साथ में। यही से मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे देखिए अंदर जाने के पहले हमें यहाँ पर सूचना देखने के लिए मिलती है, तो आप सब कृपया करके सूचना पढ़ लीजिए और सूचना का पालन कीजिए। ये एंट्री गेट देखिए। तो अभी आइए, हमारे मंदिर की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सीढ़ी पे चढ़ने के बाद यहाँ पे ऊपर आते ही हमें सबसे पहले देखिए विष्णु जी का एक अवतार यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। विष्णु जी के एक हाथ में देखिए शिव जी का यहाँ पर शिवलिंग दिखाए गए, और यहाँ पर कमल पे विराजमान हमें ब्रह्मा जी की मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है, और देवता के हाथ में हमें गदा भी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग घंटी बजा के अंदर आते हैं सीढ़ी से जस्ट ऊपर आने के बाद, यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा एकदम देखिए महादेव जी की। ये बराबर महादेव जी के सामने देखिए पानी में उनका प्रतिबिंब दिख के आ रहा है हमें, और एकदम विशाल का महादेव जी की प्रतिमा, ध्यान लगाए हुए शंकर भगवान यहाँ पर बैठे हुए देखिए, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए।
तीन यहीं पर बराबर महादेव जी के सामने हमें देखिए एक और एक श्री बजरंगबली जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। अरे हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, वहाँ सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और बाकी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। यहाँ से महादेव जी के दर्शन करके जैसे हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं, यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरते समय हमें देखिए यहाँ पर हमारे प्यारे से कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं सामने की गुफा में। जब आप सीढ़ी से उतरोगे तो आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद यहाँ पे देखिए हमें नटराजन जी की मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है, बहुत ही प्यारी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ से कृष्ण भगवान और राधा जी के दर्शन करते हुए अभी हमारे कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे पवित्र गुफा की तरफ। अब यहाँ से देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है गुफा के अंदर। अब यहाँ से घंटी बजा के हमारी एंट्री देखिए हो रही है पवित्र गुफा के अंदर। आइए अभी हम साथ में पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। यहाँ से पूरा अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ से अंदर आने पर हमें देखिए गंगा अवतरण यहाँ पर एक मूर्ति देखने के लिए मिलती है। और जैसे हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें देखिए गणेश विश्व परिक्रमा मूर्ति देखने के लिए मिलती है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद वसुधैव कुटुंबकम ये देखिए यहाँ पर 108 शिवलिंग के दर्शन भी हमें यहाँ पर हो जाते हैं महादेव जी के 108 शिवलिंग। यहाँ पे पापा के दर्शन करने के बाद हमें माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सामने देवी माता की प्रतिमा और साथ ही साथ उनके सर पर जो मुकुट विराजमान किया जाता है यहाँ पर देखिए सभी मुकुट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जय माता वैष्णो देवी की। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आगे गुरु स्थान है, कृपया शांति रखे। यहाँ पर आने देखिए हमारे सामने गुरु स्थान, जैसे हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन करके हो जाते हैं यहाँ पर देखिए हमें बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। और इस साइड में पब्लिक पूरा अपना मंडप का धागा बांधती गई हुई आप सब देख सकते हो। यहाँ पर एक बार एक प्यारी जी देवी माँ के दर्शन करने के बाद इस साइड में हमें माता नैना देवी, मतलब यहाँ पे देखिए हमें प्रतिबिंब दिखाया गया है नैना का, माता नैना देवी। और जस्ट इसी साइड में हमें बजरंगबली की एकदम प्यारी सी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। और इस साइड में श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता मैया की प्रतिमा देखिए साथ में श्री बजरंगबली जी उनके चरण में। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद जस्ट इस साइड हमें देखिए माता ज्वाली देवी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। इसी के अंदर माता जी का मुकुट रखा गया देखिए, माता कांगड़ा देवी। यहाँ पर हमें कान का प्रतिमा बना हुआ दिखाई देने के लिए मिलता है। और इस साइड में माता चिंतापूर्णी देवी कांगड़ा देवी के जस्ट बाजू में देखिए माता जी के मुकुट और चरण। इस साइड में पब्लिक ने अपने मंडप का कंगन चूड़ी और धागा वगैरह सब बांधा हुआ है। माता कालिका देवी की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। तो पब्लिक अभी हमारे पूरे दर्शन करके हो चुके हैं, जस्ट अभी हम लोग ओम शिव विश्व शांति धाम से अभी हम लोग बाहर आए। अभी यह गली मार के हम लोग को वापस से जाने गए। अभी हम लोग
शिव शांति विश्व धाम से निकल के फाइनली पहुंच चुके हैं विठल आड़ी स्टेशन पे। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फिर से वही पटरी पे, पटरी के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। जैसा जाने के टाइम पे हम लोग गए थे वही हम लोग सेम वापिस से भी दोहरा रहे। और इधर से जाने के बाद अभी शायद से ट्रेन हम लोग की लगी हुई ऐसा मेरे को लग रहा है, और नहीं भी लग रही तो क्या टेंशन, मतलब ऐसा है नहीं क्योंकि देखो पीछे से एक और ट्रेन आ रही है हम लोग के लिए। तो अभी अमन कैसा लगा भाई महादेव जी का मंदिर देख के? हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर बहुत ही प्यारी थी, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन एक बार में कर पाना मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो कि आज सौभाग्य हम लोग को नसीब हो चुका है। तो पब्लिक आप सब भी एक बार जरूर आइए विट्ठलवाड़ी में, यह जो मंदिर स्थित है। अगर आप सबको लोकेशन और अच्छे से जानना रहेगा तो आप सब मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप सबको इंस्टाग्राम पे पूरा एकदम अच्छे प्रॉपर लोकेशन बता दूंगा। तो चलिए हम लोग बैठते पहले यहाँ से ट्रेन के अंदर और पहले जाते फटाक से घाट को पर। ये हमारे ट्रेन हमारे इंतजार कर रही थी यूएसपी फास्ट। आखिरकार हम लोग पहुंच चुके घाट को पर स्टेशन पे, और मतलब ट्रेन इतनी फास्ट चल रही थी, मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो मैं चालू ट्रेन में सो गया। अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घाटकोपर स्टेशन पे। अभी यहाँ से जब हम लोग खड़े होते मेट्रो के ऊपर से तो देखो हमारे पीछे का नज़ारा कितना ही प्यारा दिख के आता है घाटकोपर स्टेशन का। तो पब्लिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शिव शांति विश्वधाम मंदिर देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। आप सबको कैसा लगा है, आप सब अपना मतलब एक्सपीरियंस जो है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ऐसे ज़्यादातर अच्छे अच्छे मंदिर अगर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर पब्लिक इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सब के साथ में बोलिए जय श्री राम।